जो कंडीशन नॉर्मल है, तो वापिस चलते हैं। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ छोटा शिमला स्कूल मैं वैक्सीन लगाने के लिए। तो शेड्यूल है आज जो फ्रंट लाइन वर्कर के लिए आज वैक्सीन लग रही है 19 मई और सैटरडे को लगने वाली है। तो आप ही आइए और वैक्सीन जरूर लगाएं। चलो चलते हैं। अभी वैक्सीन लग चुकी है तो आधे घंटा वेट करने को बोला है, तो अभी वेट कर रहे हैं। लगभग 2 बजे वैक्सीन लगी है, 2:30 बजे तक वेट करना है। वैक्सीन लग चुकी है तो उसके बाद मैं जा रहा हूँ रूम की ओर। लगभग 2:03 में मुझे वैक्सीन लगी है और आधे घंटे वेट करने को कहते हैं। तो वेट करने के बाद अब जो कंडीशन नॉर्मल है, तो अब वापिस चलते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप भी अपने शेड्यूल के तहत जितने भी आपकी वैक्सीन लगनी है तो उस दिन आप आ सकते हैं। तो मैंने ये वैक्सीन लगाई है छोटा शिमला स्कूल में। तो आज सेकंड डे है वैक्सीन लगाए हुए, तो क्या क्या रहा है मेरा एक्सपीरियंस मैं आप सभी के बीच शेयर कर देता हूं। तो रात को मुझे कोई ऐसा फीवर नहीं आया, तो वह एक्चुअली डॉक्टर ने कहा था कि अगर फीवर आता है तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं, तो मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं था। तो पॉजिटिव माइंड से आप रहिए, और अगर आपको फीवर होता है तो ज़रूर आप पैरासिटामोल ले सकते हैं, और अगर आपको फीवर नहीं होता है तो आप नॉर्मल तरीके से रह सकते हैं। और दूसरों को भी मोटिवेट करें, वैक्सीनेशन से डरे नहीं। तो मुझे लगता है कि एक भारत सरकार का जो एक बहुत बड़ा प्रयास है युवा वर्ग को इसमें वैक्सीनेशन के तहत लाने का, तो बहुत ही अच्छा है। आप जरूर अपने आप को एनरोल करें और वैक्सीन जरूर लगाएं। थैंक यू सो मच।